नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर नगर निगम की 50 वार्डों का शासन ने नया नामकरण कर जारी किया। 80 वार्डों के परिसीमन की अनंतिम अधिसूचना। महापुरुषों और बलिदानियों के नाम हुए 24 वार्ड। इसी साल नवंबर में नगर निगम के चुनाव की है संभावना। एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी उचित आपत्ति। आपत्तियों के निस्तारण के साथ शासन को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए भेजी जाएगी आख्या। जनपद में शुक्रवार की रात पीआरवी के द्वारा पशु तस्करों का पीछा करने पर गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। पशु तस्करों ने पीआरवी पर पत्थरों से किया हमला। एसपी नॉर्थ की गाड़ी पीछा करते हुए डिवाइडर से टकराकर हुई क्षतिग्रस्त। एसपी नॉर्थ ने कहा, शाहपुर गुलरिया थाने में पशु तस्करों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। 4 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर किया जा रहा है पूछताछ। जल्द होगी पशु तस्करों की गिरफ्तारी। पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद में नवजात बच्ची की हत्या के आरोप में 2 अभियुक्ताओं को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पशु तस्करों के गैंग के सरगना मुलायम यादव व उसके 2 साथी चढ़े शाहपुर व गुलरिया थाने की हत्या। अभियुक्तों के कब्जे से 1 देसी तमंचा, 315 बोर, 1 अपाची मोटरसाइकिल, 1 पिकअप तथा 1 पशु किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। IRS इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण VDMCR विषय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संगोष्ठी आयोजन कर जनपद स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व से कराया गया उनको अवगत। इंसिडेंट कमांडर एवं ADM फाइनेंस ने कहा, आपदा आने पर सभी अधिकारियों के दायित्व है फिक्स। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कहा, बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों तथा बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाने वालों का किया गया चालान। अपर SDM सदर पवन कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले पुलिस व राजस्व विभाग से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। दो सितंबर को महिला से मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर लूट का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राप्ती नदी के जलस्तर सहित अन्य नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा, अभी है नदी खतरे के निशान से नीचे, अभी तक नहीं पहुँचा किसी गाँव में पानी। बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियाँ हैं पूरी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चल रहे व्याख्यान माला के समापन पर हम और हमारी संस्था विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संस्था से बनती है हमारी सामाजिक पहचान, प्राथमिकता में होनी चाहिए संस्था। और शनिवार की शाम को हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत, वहीं किसानों के चेहरों पर दिखी खुशी। बारिश खरीफ फसल के लिए है काफी लाभदायक। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर नगर निगम की 50 वार्डों का शासन ने नया नामकरण कर दिया है। इसमें 24 वार्डों के नाम महापुरुषों और बलिदानियों के नाम पर रखे गए हैं। सिख बहुल मोहद्दीपुर अब सरदार भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अली नगर का नाम बदलकर आर्य नगर और मियां बाजार का माया बाजार कर दिया गया है। इसी साल नवंबर में संभावित नगर निगम के चुनाव को देखते हुए नगर निगम ने 80 वार्डों के परिसीमन की अनंतिम अधिसूचना शासन ने जारी कर दी है। आपत्ति के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आपको बता दें कि जहां नगर निगम के 10 नए वार्डों का नया नाम रखा गया है, वहीं 40 पुराने वार्डों का भी नया नामकरण कर दिया गया है। शासन के अनंतिम अधिसूचना के मुताबिक पुरदिलपुर वार्ड अब विजय चौक के नाम से जाना जाएगा। जनप्रिय विहार वार्ड का नाम दिग्विजय नगर कर दिया गया है। सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल के नाम पर भी 1 वार्ड बनाया गया है। वहीं निषाद बहुल नौसर का नाम मत्स्येंद्र नगर रखा गया है।
मियां बाजार, मुफ्तीपुर, अलीनगर, तुर्कमानपुर, इस्माइलपुर, रसूलपुर, हुमायूंपुर उत्तरी, घोसीपुरवा, दाऊदपुर, जाफरा बाजार, इलाहीबाग, काजीपुर खुर्द, चकसा हुसैन के नाम भी बदल दिए गए हैं। बाबा गंभीरनाथ, फिराक गोरखपुरी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलिदानी शिव सिंह छेत्री, पंडित राम प्रसाद विस्मिल, शहीद इसफाकुल्ला, महाराणा प्रताप नगर, महात्मा ज्योतिबा फूले, बंधु सिंह, संत झूलेलाल नगर के नाम पर इन वार्डों का नाम रखा गया है। गोरखपुर का विश्व में नाम रोशन करने वाले गीता प्रेस के नाम पर भी एक वार्ड का नाम रखा गया है। महेवा वार्ड का नाम अब कान्हा उपवन नगर करने के साथ विश्वकर्मापुरम वार्ड भी बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि नए वार्ड के नाम और वार्ड नंबर में कौन कौन से मोहल्ले शामिल हैं। वार्ड नंबर एक में महादेव झारखंडी, टुकड़ा नंबर एक में शामिल मोहल्ले महादेव झारखंडी, टुकड़ा नंबर एक आंशिक, गिधरगंज आंशिक, सिंघरिया आंशिक, रामपुर उर्फ रामगढ़ आंशिक, भैरवपुर भगता। वार्ड नंबर दो बाबा राघवदास नगर में शामिल मोहल्ले सिमरा, सलेमपुर, चैनपुर मेडिकल कॉलेज। वार्ड नंबर तीन बाबा गंभीरनाथ नगर में शामिल मोहल्ले मानबेला, झुंगिया, नौतन, फतेहपुर, उमरपुर। वार्ड नंबर चार रानी डीहा में शामिल मोहल्ले खुराबार उर्फ सूबा बाबा बाजार, रानी डीहा। वार्ड नंबर पाँच मदन मोहन मालवीय नगर में शामिल मोहल्ले इंजीनियरिंग कॉलेज महादेव झारखंडी, टुकड़ा नंबर दो आंशिक, झारखंडी टुकड़ा नंबर एक आंशिक, सिंघरिया आंशिक, रामपुर उर्फ रामगढ़ आंशिक। वार्ड नंबर छः खुराबार में शामिल मोहल्ले जंगल सिकरी उर्फ खुराबार, सिकटौर। वार्ड नंबर सात महादेव झारखंडी दो में शामिल मोहल्ले महादेव झारखंडी, टुकड़ा नंबर दो आंशिक, दरगहिया, खोटा टोला, झारखंडी टुकड़ा नंबर तीन आंशिक, गुमटी टोला। वार्ड नंबर आठ चरगावा में शामिल मोहल्ले चरगावा, हमीदपुर, पोखर भिंडा उर्फ करीम नगर, जंगल महुआ, हर सेवकपुर नंबर एक। वार्ड नंबर नौ नकहा में शामिल मोहल्ले जंगल नकहा नंबर एक, बशारतपुर आंशिक। वार्ड नंबर दस माधव नगर में शामिल मोहल्ले जंगल बेनी माधव नंबर एक व दो। वार्ड नंबर बड़गो में शामिल मोहल्ले रानीबाग बड़गो। वार्ड नंबर 12 अशोक नगर में शामिल मोहल्ले बशारतपुर आंशिक, राप्ती नगर आंशिक। वार्ड नंबर 13 संझाई में शामिल मोहल्ले संझाई, नरुद्दीन चक, जंगल बहादुर अली, जंगल बेनी माधव नंबर एक व दो आंशिक। वार्ड नंबर 14 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में शामिल मोहल्ले बरगदवा, रामपुर नया गांव, राजेंद्र नगर, लक्ष्मीपुर। वार्ड नंबर 15 हनुमंत नगर में शामिल मोहल्ले हुमायूंपुर उत्तरी आंशिक। वार्ड नंबर 16 दिग्विजय नगर में शामिल मोहल्ले जनप्रिय विहार कॉलोनी हुमायूंपुर उत्तरी आंशिक, वजीराबाद। वार्ड नंबर 17 शिवपुर में शामिल मोहल्ले जंगल माता दीन, जंगल तिनकोनिया नंबर एक। वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर में शामिल मोहल्ले झरना टोला महादेव झारखंडी, टुकड़ा नंबर तीन आंशिक। वार्ड नंबर 19 गोपालपुर में शामिल मोहल्ले गोपालपुर, रामगढ़ताल, मोहम्मद चक। वार्ड नंबर 20 लच्छीपुर में शामिल मोहल्ले लच्छीपुर आंशिक, मिर्जापुर, पचपेड़वा आंशिक, नौरंगाबाद। वार्ड नंबर 21 मोहनपुर में शामिल मोहल्ले जंगल हकीम नंबर एक व दो। वार्ड नंबर 22 तुलसी राम पश्चिमी में शामिल मोहल्ले जंगल तुलसी राम पश्चिमी आंशिक, अकोलवा। वार्ड नंबर 23 शहीद शिव सिंह छेत्री नगर में शामिल मोहल्ले जंगल तुलसी राम आंशिक, खुद्दी टोला, केवटिया। वार्ड नंबर 24 मत्स्येंद्र नगर में शामिल मोहल्ले नौसर। वार्ड नंबर 25 गिरधरगंज में शामिल मोहल्ले गिरधरगंज आंशिक, विशनपुरवा, कूड़ा घाट, आवास विकास कॉलोनी झारखंडी। वार्ड नंबर 26 बेतिहाता में शामिल मोहल्ले बेतिहाता रुस्तमपुर आंशिक। वार्ड नंबर 27 जटेपुर में शामिल मोहल्ले जटेपुर उत्तरी। वार्ड नंबर 28 मानसरोवर नगर में शामिल मोहल्ले अंधियारी बाग आंशिक, तकिया, कवलदा आंशिक। वार्ड नंबर 29
पंडित राम प्रसाद विस्मिल नगर में शामिल मोहल्ले घोसीपुर व आंशिक गीता वार्ड का कारागार शाहपुर आवास विकास कॉलोनी आंशिक वार्ड नंबर 30 हरसेवकपुर में शामिल मोहल्ले हरसेवकपुर नंबर 2 जंगल शालिक राम आंशिक वार्ड नंबर 31 शहीद अशफाकुल्ला खान नगर में शामिल मोहल्ले तुर्कमानपुर आंशिक पहाड़पुर वार्ड नंबर 32 नरसिंहपुर में शामिल मोहल्ले नरसिंहपुर निजामपुर भरपुरवा घासी कटरा वार्ड नंबर 33 विश्वकर्मापुरम बोलिया में शामिल मोहल्ले जटेपुर रेलवे कॉलोनी बोलिया कॉलोनी वार्ड नंबर 34 शालिकराम नगर में शामिल मोहल्ले जंगल शालिकराम शताब्दीपुरम शिवपुर सहबाजगंज वार्ड नंबर 35 लोहिया नगर में शामिल मोहल्ले लोहिया नगर जटेपुर उत्तरी आंशिक शिवनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 36 भरवलिया में शामिल मोहल्ले भरवलिया बुजुर्ग मनहट सिंदुली बिंदुली काजाकपुर वार्ड नंबर 37 कान्हा उपवन नगर में शामिल मोहल्ले महवा चक्रा नंबर 1 व 2 तुर्कमानपुर आंशिक वार्ड नंबर 38 गायघाट में शामिल मोहल्ले रामपुर गायघाट खुर्द गायघाट बुजुर्ग सेक्टर आंशिक वार्ड नंबर 39 कृष्णानगर में शामिल मोहल्ले कृष्णानगर कॉलोनी चटेपुर उत्तरी आंशिक राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 40 गुलहरिया में शामिल मोहल्ले करमहा उर्फ कमहरिया मुंडिला मिर्जापुर गुलहरिया वार्ड नंबर 41 माधोपुर में शामिल मोहल्ले माधोपुर सूर्यकुंड आंशिक वार्ड नंबर 42 महाराणा प्रताप नगर में शामिल मोहल्ले रसूलपुर आंशिक पट्टन नथमलपुर बनकटवा वार्ड नंबर 43 शाहपुर में शामिल मोहल्ले शाहपुर आंशिक शाहपुर आवास विकास कॉलोनी आंशिक धर्मपुर वार्ड नंबर 44 बसंतपुर में शामिल मोहल्ले बसंतपुर बसंतपुर मुतनजा हनुमानचक रकाबगंज वार्ड नंबर 45 मैत्रीपुरम में शामिल मोहल्ले रेलवे कॉलोनी बिछिया आरपीएफ कॉलोनी मैत्रीपुरम कॉलोनी डेयरी कॉलोनी रेलवे मेडिकल कॉलोनी वार्ड नंबर 46 शक्तिनगर में शामिल मोहल्ले शक्तिनगर बसारतपुर पूर्वी आंशिक वार्ड नंबर 47 महात्मा ज्योतिबा फूले नगर में शामिल मोहल्ले दिलेजागपुर हजारीपुर नियमातचक बख्शीपुर आंशिक वार्ड नंबर 48 धर्मशाला बाजार में शामिल मोहल्ले धर्मशाला बाजार जटेपुर दक्षिणी वार्ड नंबर 49 बेनीगंज में शामिल मोहल्ले रुद्रपुर दीवान बाजार रुद्रपुर काजी रौला वार्ड नंबर 50 कल्याणपुर में शामिल मोहल्ले कल्याणपुर रुस्तमपुर काजीपुर कला बिंदटोला रामदत्तपुर बुलाकीपुर वार्ड नंबर 51 देवी प्रसाद नगर में शामिल मोहल्ले चक्रा सोयम कटवतिया उर्फ कठौर पथरा पिपरा झरवा सिमरा देवी प्रसाद वार्ड नंबर 52 विजय चौक में शामिल मोहल्ले पुरदिलपुर जटेपुर दक्षिणी बख्शीपुर आंशिक वार्ड नंबर 53 राम जानकी नगर में शामिल मोहल्ले राप्ती नगर आंशिक चकसा हुसैन आंशिक मिर्जापुर पचपेड़वा आंशिक वार्ड नंबर 54 उर्वरक नगर में शामिल मोहल्ले उर्वरक नगर जंगल नकहा नंबर 1 आंशिक जंगल नकहा नंबर 2 वार्ड नंबर 55 बंधु सिंह नगर में शामिल मोहल्ले इलाहीबाग तिवारीपुर आंशिक घोषीपुर दाऊदचक वार्ड नंबर 56 रघुपति सहाय फिराक नगर में शामिल मोहल्ले दाऊदपुर आंशिक रुस्तमपुर आंशिक रसूलपुर बिलंदपुर आंशिक वार्ड नंबर 57 रायगंज में शामिल मोहल्ले रायगंज दक्षिणी रायगंज उत्तरी खुर्रमपुर वार्ड नंबर 58 सूरजकुंड धाम नगर में शामिल मोहल्ले सूरजकुंड कॉलोनी सिधारीपुर आंशिक तकिया कवलदा आंशिक रसूलपुर आंशिक दरियाचक वार्ड नंबर 59 आत्माराम नगर में शामिल मोहल्ले जाफरा बाजार अंधियारी बाग आंशिक अबू बाजार इस्लामचक वार्ड नंबर 60 विकास नगर में शामिल मोहल्ले विकास नगर लच्छीपुर जप्ती टोला वार्ड नंबर 61 साहबगंज में शामिल मोहल्ले इस्माइलपुर खुनीपुर आंशिक घासी कटरा आंशिक खोखर टोला नशीराबाद वार्ड नंबर 62 माया बाजार में शामिल मोहल्ले मिया बाजार आंशिक वार्ड नंबर 63 जगन्नाथपुर में शामिल मोहल्ले काजीपुर खुर्द बनकटीचक जगन्नाथपुर वार्ड नंबर 64 विष्णुपुरम में शामिल मोहल्ले भेड़ियागढ़ विष्णुपुरम वार्ड नंबर 65 कृष्ण मोहन पांडे नगर में शामिल मोहल्ले अलहदादपुर मिया बाजार आंशिक
मेवातीपुर उर्फ चैनपुर वार्ड नंबर 66 नेताजी सुभाष नगर में शामिल मोहल्ले नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर मिलनपुर खत्ता सूर्यकुंड कॉलोनी आंशिक सिधारीपुर आंशिक संकट मोचन नगर वार्ड नंबर 67 सरदार भगत सिंह नगर में शामिल मोहल्ले मोहद्दीपुर वार्ड नंबर 68 महर्षि दिधेची नगर में शामिल मोहल्ले तिवारीपुर आंशिक बहरामपुर उर्फ पिपरापुर मोहनलालपुर वार्ड नंबर 69 श्रीराम चौक में शामिल मोहल्ले हासुपुर तुर्कमानपुर आंशिक वार्ड नंबर 70 चंद्रशेखर आजाद चौक में शामिल मोहल्ले रुस्तमपुर आंशिक चिल्मापुर भरवलिया खुर्द वार्ड नंबर 71 आर्य नगर में शामिल मोहल्ले अली नगर उत्तरी अली नगर दक्षिणी हुमायूंपुर दक्षिणी वार्ड नंबर 72 सिविल लाइन्स 2 में शामिल मोहल्ले सिविल लाइन्स आंशिक पड़हा कालीपुर आंशिक बिलनपुर आंशिक वार्ड नंबर 73 शिवाजी नगर में शामिल मोहल्ले मिर्जापुर घासी कटरा आंशिक मुंडेरी चक रहमत नगर वार्ड नंबर 74 संत झूलेलाल नगर में शामिल मोहल्ले चकसा हुसैन आंशिक जहीदाबाद चिटीपुर उत्तरी आंशिक वार्ड नंबर 75 शिवाजी नगर में शामिल मोहल्ले मुही सुगरपुर मिर्जापुर वार्ड नंबर 76 घंटाकर में शामिल मोहल्ले मुफ्तीपुर शमारूफ धम्मल अस्करगंज वार्ड नंबर 77 गीता प्रेस नगर में शामिल मोहल्ले शेषपुर खूनीपुर आंशिक दीवान दयाराम वार्ड नंबर 78 पुराना गोरखपुर में शामिल मोहल्ले पुराना गोरखपुर नथमलपुर आंशिक बजरंग नगर तिलक नगर गोपाल नगर सिंधी कॉलोनी वार्ड नंबर 79 सिविल लाइन्स 1 में शामिल मोहल्ले सिविल लाइन्स आंशिक दाऊदपुर आंशिक वार्ड नंबर 80 राप्ती नगर में शामिल मोहल्ले राप्ती नगर आंशिक बशारतपुर पश्चिमी आंशिक शासन के अनंतिम अधिसूचना पर आपत्तियों को एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश के समक्ष उचित आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। आपत्तियों का निस्तारण जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश स्वयं करेंगे या वह किसी अधिकारी को आपत्तियों का निस्तारण के लिए नामित करेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के साथ शासन को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आज्ञा भेजी जाएगी। तदुपरांत शासन वार्डो के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर देगा। जनपद में पीआरवी के द्वारा पशु तस्करों का पीछा करने पर उनके पत्थरों से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार की रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि पशु तस्कर शहर में प्रवेश किए हैं जो पशुओं को उठाने की फिराक में है। इस सूचना पर शाहपुर थाना प्रभारी व सीओ कैंट उनकी घेराबंदी में लग गए तथा चौरी चौरा सर्कल से भी 3 थानों की फोर्स घेराबंदी में लग गई। पशु तस्करों का पीछा पीआरवी 112 ने किया, जिस पर पशु तस्करों ने पत्थर से हमला किया, जिससे पीआरवी 112 क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेरे द्वारा पशु तस्करों का पीछा किया गया तो मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। पशु तस्करों को नाकाबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह किसी रास्ते से निकल गए। पशु तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके संबंध में गुलेरिया व शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये
कल रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर शहर में प्रवेश किए हैं, जो कि पशुओं को उठाने की फिराक में हैं। इस सूचना पे थाना शाहपुर, सीयू कैंट और अन्य अधिकारी और थाना प्रभारी उनकी घेराबंदी में लग गए, और चौरी चौरा सर्किल से भी दो तीन थाना प्रभारी नाकेबंदी में लग गए। उसी समय पीछा करते समय एक पीआरवी 112 को पीछा करते समय ही उनके द्वारा पथराव किया गया पशु तस्करों द्वारा, जिससे उसका एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोगों द्वारा नाकाबंदी करके और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः वो किसी बीच के रास्ते से निकल गए। प्लानिंग के साथ लगातार उनकी दबिश दी जा रही है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी 3-4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, और बाकी जो भी अभियुक्त हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में थाना गुलरिया व थाना शाहपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शाहपुर थाने की पुलिस ने पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद में नवजात बच्ची की हत्या के आरोप में दो अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी की है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्ताओं को फातिमा हॉस्पिटल के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुबीना खातून उर्फ सुबी पुत्री हलीमुद्दीन, दूसरी शहनाज खातून पत्नी हलीमुद्दीन निवास घौसीपुरवा पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 2 सितंबर को हुए आपसी विवाद में पीड़ित की सूचना पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें सबीना खातून उर्फ सुब्बी पुत्री हलीमुद्दीन निवासी घोसीपुरवा गीतावाटका थाना शाहपुर गोरखपुर के द्वारा 45 दिन के बच्चे को कमरे में से उठाकर बाहर लाकर जान से मारने की नीयत से नाली के पास रखे पत्थर पर पटका गया, जिससे बेबी की मृत्यु हो सके और आरोपिता की मां शहनाज खातून के द्वारा गाली गुफ्ता देते हुए ललकारा गया, जिससे एक छोटे बच्चे को पत्थर पर जानबूझकर पटकने से यह तथ्य सामने आ रहा है कि बच्चे को जानबूझकर मृत्यु कारित करने हेतु चोट पहुंचाई गई थी, जिस चोट से बच्चा मर गया। अब तक के हुए विवेचना से धारा 308 के स्थान पर धारा 302 को लगाया गया है, इस जिसके बाद दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, महिला उप निरीक्षक राजकुमारी शुक्ला, कांस्टेबल प्रशांत नाविक, राहुल सरोज, महिला कांस्टेबल बबीता पांडे शामिल रहे। शनिवार की रात्रि में पशु तस्करों व अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक उत्तरी, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ व इनके थाना प्रभारियों की फोर्स के साथ क्षेत्र में चलाया गया। थाना गुलरिया व थाना शाहपुर क्षेत्र में चेकिंग बैरियर्स पर संदिग्ध गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो गाड़ी के चालक द्वारा गाड़ी को तेज गति से भगाने का प्रयास किया गया। इन संदिग्ध गाड़ियों का पीछा पुलिस फोर्स व अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसके क्रम में अपराधियों व पुलिस बल के मध्य मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों के पशु तस्करी कारित करने के प्रयास को विफल किया गया। इस घटना के उपरांत धरपकड़ के लिए पूरी क्षेत्र में पुलिस बल के साथ वृहद कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया व थाना शाहपुर में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना शाहपुर पर पंजीकृत मुकदमे की विवेचना के क्रम में पशु तस्करों के गैंग के सरगना मुलायम यादव पुत्र कामेश्वर यादव उम्र 26 वर्ष व उसके 2 साथी रितेश यादव पुत्र सीताराम यादव उम्र 22 वर्ष, रामेश्वर सिंह पिकअप चालक पुत्र स्वर्गीय रामनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। गैंग लीडर मुलायम यादव व उसका एक साथी रितेश यादव ग्राम लोहर बलिया थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर एवं दूसरा साथी रामेश्वर सिंह ग्राम दर्जिया बाजार थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर का निवासी है। अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, एक अदद आपाची मोटरसाइकिल, एक अदद पिकअप जिस पर फर्जी नेम प्लेट लगा हुआ
तथा एक राशि पशु बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विगत रात्रि थाना शाहपुर में घटित घटना का पूर्ण विवरण बताया गया व इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के संबंध में जानकारी दी गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से सघन पूछताछ की जा रही है व ऐसे अपराधों में लिप्त अन्य अपराधी अथवा इनका सहयोग करने वाले स्थानीय निवासी की भी जानकारी की जा रही है। इस अभियान को योजनाबद्ध तरीके से निरंतर चलाए जाने व इन अपराधों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ और उन पर प्रभावी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर में विगत रात्रि पशु तस्करों व अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान SP सिटी, SP नॉर्थ, CO गोरखनाथ व थाना प्रभारियों व उनकी फोर्स के साथ चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान थाना शाहपुर और थाना गुलरिया क्षेत्र में जब संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया तो इनके चालकों द्वारा तेज गति से अपने वाहनों को भगाया गया, जिसका कि पीछा पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया। दोनों थाना क्षेत्रों में इन अपराधियों की मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई, जिसमें इनके इस पशु तस्करी के योजना को विफल किया गया। इस घटनाक्रम के उपरांत दोनों थानों पर धारा 307 व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए। इस घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, धरपकड़ के लिए एक सघन कोम्बिंग ऑपरेशन पुलिस फोर्स के साथ चलाया गया। थाना शाहपुर में घटित घटना से संबंधित वेशनात्मक कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि गैंग लीडर मुलायम यादव, उसका साथी रितेश यादव व रामेश्वर सिंह, जो कि थाना पथेरवा जिला कुशीनगर के निवासी हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से एक पिकअप वाहन, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और साथ में कई फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। इनके पास से अवैध असलाह व पशु तस्करी में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी इनसे बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इनके द्वारा विगत रात्रि घटित घटना का पूर्ण विवरण बताया गया है और उस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनसे सघन पूछताछ जारी है। इस तरह के अपराधों में लिप्त अन्य गैंग्स और उनकी अपराध करने के तरीके के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अपराधी का इतिहास खंगाला जा रहा है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इस अभियान को निरंतर व योजनाबद्ध तरीके से चलाने हेतु सभी थाना प्रभारियों और गस्टेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं व ऐसे अपराधियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। NXC भवन सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा IRS इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण VDMCR विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में जनपद में आपदा के दौरान IRS को लागू किए जाने तथा ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना निर्माण के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराया गया। समस्त तहसीलों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें और उसमें सभी कर्मचारियों को एवं ग्राम प्रधान को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, जिससे कि ग्राम स्तर पर यदि कोई घटना घटित होती है तो उसका सत्यापन करते हुए त्वरित कार्रवाई की जा सके। समस्त तहसीलें संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर पूर्व से ही स्टेजिंग एरिया का चयन सुनिश्चित कर लें, जहां पर राहत और बचाव कार्य एजेंसियों को तैनात किया जा सके और समुचित संसाधन एकत्रित की जा सके। बैठक में डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा, NGRF ने राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन के तंत्र के संबंध में सभी को अवगत कराया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा डिप्टी कमांडेंट NGRF
पीएल शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही एनडीआरएफ के नवागत डिप्टी कमांडेंट प्रेम पासवान को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो इसलिए सभी के कार्य और उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित किया गया। इस बारे में इंसिडेंट कमांडर एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आपदा के समय किस प्रकार से किस अधिकारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है इस संबंध में बैठक की गई है कि यदि कोई आपदा आती है तो उसमें एक इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है लेकिन बाढ़ की अभी कोई आशंका नहीं है। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व, मुख्य राजस्व अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक क्राइम, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला अधिकारी, समस्त तहसीलदार, डिप्टी कमांडेंट, एनडीआरएफ, जिला सूचना अधिकारी, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसडीआरएफ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अपर सीएमओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता, बाढ़ खंड 2, ड्रेनेज खंड, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड, आपदा विशेषज्ञ एवं जनपद स्तरीय समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंसिडेंट कमांडर एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, सूचना है और ये अधिसूचना मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई है। इसका मतलब इसका बहुत महत्व है, हमारे प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से जारी की गई है। इसमें आप देखें कि सबसे पहला पद है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, उत्तरदायी अधिकारी। तो ये पद इस अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट महोदय का है, ठीक। तो डीएम साहब उत्तरदायी अधिकारी हैं और उत्तरदायी अधिकारी के रूप में वो अपने आवास के कार्यालय में उपलब्ध हैं। इसके बाद आप देखिए, चार्ट देखिए, इसमें इंसिडेंट कमांडर है। इंसिडेंट कमांडर का मतलब समझिए, इंसिडेंट कमांडर का प्रदेश के लिए नहीं है, ठीक। तो पूरे भारतवर्ष में एक इंसिडेंट कमांडर है। उत्तर प्रदेश में एडीएम फाइनेंस आपदा का प्रभारी है, इसलिए एक ही प्रकार की तीन स्तर पर घटनाएं हो गई तो वो तीन इंसिडेंट के रूप में हो सकता है। और इंसिडेंट कमांडर एक वहां पर कमांड पोस्ट बनाई, एक घटना हुई है अगर कहीं पे तो इंसिडेंट कमांडर एडीएम फाइनेंस करेगा। अब इंसिडेंट कमांडर के रूप के साथ डिप्टी इंसिडेंट कमांडर के रूप में, तो बाई डिफॉल्ट आप नगर मजिस्ट्रेट साहब डिप्टी इंसिडेंट कमांडर हो जाएंगे और तहसीलों में है तहसील साहब आप हो जाएंगे। अपना दायित्व तो आप समझे रहेंगे फॉर्म में, तो ये हम सभी इंसिडेंट कमांडर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप देखिए इंसिडेंट कमांडर को कहां से कैसे सपोर्ट मिल रहा है। एक सपोर्ट है इंसिडेंट होता है उसको डिस्क्लोज होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, नहीं तो लोगों को हमेशा कौतूहल रहता है या इधर उधर में। और डिटेल हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ये बुक सेल बनाएंगे तो आप पढ़ेंगे इंसिडेंट कहते किसे हैं और कैसे इंसिडेंट आपको रिपोर्ट होगा, कि दायित्व होगा घटना की इंफॉर्मेशन प्राप्त करके उसको पब्लिक डोमेन में डाल देना। इतनी जल्दी आपको मालूम पड़ेगा। इंसिडेंट कमांडर का जो डिप्टी इंसिडेंट कमांडर हैं, जो नगर मजिस्ट्रेट साहब हैं, तहसील साहब हैं, पैरालाइजन ऑफिसर के रूप में तहसीलदार साहब हैं, मैं तो ओएस चीफ बोलते हैं, ऑपरेशन सेक्शन चीफ ये एसएसपी साहब होंगे, ठीक है। किसी भी जनपद के रहेंगे, हमारा जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तब हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनेगा, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। तो जो एसएसपी साहब होंगे वो डीईओसी में बैठेंगे। अभी हमारा जो डीईओसी है वो दो जगहों पे है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक तो हमारा बीडीएमए में है, हमारी आपदा कार्यालय में है, और हमने आपदा के समय उसको ई डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया था। हमारा ई डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से इक्विप्ड है, अधिकारियों के वहाँ बैठने की व्यवस्था है, कम्युनिकेट करने की व्यवस्था है। जब भी कोई आपदा आएगी तो एसएसपी साहब ई डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे जहाँ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है। अब जो ऑपरेशन सेक्शन है, देखिए उसमें क्या क्या चीजें हैं।
ऑपरेशन सेक्शन में एक है स्टेजिंग एरिया, ठीक, एक है हमारा स्टेजिंग एरिया, दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट ब्रांच और तीसरा है हमारा रिस्पांस ब्रांच है। स्टेजिंग एरिया, रिस्पांस ब्रांच आरबी और ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच, ये सब हमारा ऑपरेशन सेक्शन चीफ के अधीन रहेंगे और ईओसी से मैनेज होंगे, ईओसी के माध्यम से ही इनको। तो अब देखिए जो स्टेजिंग एरिया है उसका तात्पर्य ये है कि जैसे कहीं पर भूकंप आ गया, ठीक, तो यदि भूकंप तो आया खजनी में, तो जो हमारा स्टेजिंग एरिया बनेगा वो बनेगा वहां का कोई भी ऐसा बड़ा पार्क, जैसे तहसील ब्लॉक कार्यालय या कोई हमारे पास बड़ा सा स्कूल का मैदान, खूब बड़ा मैदान होना चाहिए, उसको हम कहेंगे स्टेजिंग एरिया, एरिया में पहुंचाना है। जैसे ही कोई घटना रिपोर्ट होगी सभी ऐसे लोग जिनको स्टेजिंग एरिया में पहुंचना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ईडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आज हम लोग इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम अर्थात आपदा के समय किस प्रकार से किस अधिकारी को किन दायित्वों का निर्वहन करना है उस पर हम लोग एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। आप जैसा कि सामने अभी देख लेंगे, प्रत्येक अधिकारी का दायित्व निश्चित है। यदि कोई आपदा आती है, निश्चित रूप से वो अचानक ही होती है या तमाम आपदाएँ कुछ लंबे समय के लिए होती हैं, उसमें एक इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत ये है कि मैं उसमें इंसिडेंट कमांडर हूँ, जिलाधिकारी महोदय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं। इसी तरह से प्रत्येक अधिकारी के दायित्व निश्चित हैं, उन दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रत्येक अधिकारी को कैसे कार्य करना है उसी का हम लोग आज इनको प्रशिक्षण देंगे, लगभग एक घंटे का रहेगा। सर, नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, क्या लोगों को? नदियों में तो अभी जलस्तर बढ़ रहा है लेकिन बाढ़ की कोई ऐसी आशंका नहीं है। अभी मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, जो लोग प्रतिवर्ष, तमाम लोग ऐसे हैं जो नदी में डूब करके असामयिक मृत्यु हो जाती है उनकी, मेरा अनुरोध है नदी में जाने के पहले ये जरूर देख लें कि आपको तैरना आता है या नहीं आता, और कभी भी जब नदी में अधिक पानी है, बाढ़ का प्रभाव है, तब नदी में ना जाएं। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में गणेश चौक पर चेकिंग अभियान के तहत बिना हेलमेट चलने वाले तथा बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों को चालान किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस द्वारा नियमित रूप से वाहन चेकिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, अगर चार पहिया वाहन से चलते हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। ITMS के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहन पर जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि घर से जब भी दोपहिया वाहन पर निकलें तो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, वाहन चेकिंग यातायात पुलिस की एक निरंतर प्रक्रिया है।
ये यातायात पुलिस और जनपदीय पुलिस नियमित रूप से हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं। वाहन चेकिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और हम अपने ITMS के माध्यम से हमेशा सभी गोरखपुर वासियों को जागरूक करते रहते हैं कि हेलमेट अवश्य धारण करें, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं अगर चार पहिया वाहन चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी से अनुरोध ये है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अवश्य लगाएं, क्योंकि HSRP ना लगाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। तो सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि HSRP अवश्य लगाएं और यातायात नियमों का सभी लोग पालन करें। सर, बहुत से लोग सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, हेलमेट के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जब भी आप वाहन का इस्तेमाल करें सुबह के लिए, चाहे दूध सब्जी और ब्रेड लाते समय या बच्चे को स्कूल ले जाते समय, अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं की सुरक्षा के लिए आप जब भी वाहन निकालें, चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, हेलमेट को अवश्य धारण करें। और हेलमेट के संबंध में एक ही नियम है, चाहे सुबह हो या शाम हो, तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि मॉर्निंग वॉक को जाते समय भी अगर वो दोपहिया वाहन से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाकर ही जाएं। अपर SDM सदर पवन कुमार की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में अपर SDM सदर पवन कुमार सिंह ने बताया कि तहसील समाधान दिवस में अधिकतर मामले पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित आ रहे हैं, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा तहसील दिवस में आए गंभीर मामलों में पुलिस व राजस्व टीम मौके पर जाकर निस्तारण करेगी। उन्होंने कहा, तहसील समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है, जनता की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर SDM सदर पवन कुमार ने कहा, आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं, तो हमारे दो नायब साहबान भी उपस्थित हैं, समग्र विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित हैं। और इसमें अधिकतर मामले जो आ रहे हैं कि पुलिस विभाग से संबंधित एवं राजस्व विभाग से संबंधित है, जिसका हम लोग त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित कर रहे हैं। और तहसील दिवस समाप्ति के उपरांत 2 बजे के बाद जो हमारे गंभीर प्रकरण होंगे, वहाँ पे कम से कम 5 टीमें संयुक्त पुलिस की और राजस्व की एवं जरूरत पड़े तो अन्य संबंधित विभाग की मौके पे जाके ऐसे निरीक्षण करके समाधान करेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर नगर निगम की 50 वार्डों का शासन ने नया नामकरण कर जारी किया। 80 वार्डों के परिसीमन की अनंतिम अधिसूचना, महापुरुषों और बलिदानियों के नाम हुए 24 वार्ड। इसी साल नवंबर में नगर निगम के चुनाव की है संभावना। एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी उचित आपत्ति। आपत्तियों के निस्तारण के साथ शासन को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए भेजी जाएगी आख्या। जनपद में शुक्रवार की रात पीआरवी के द्वारा पशु तस्करों का पीछा करने पर गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। पशु तस्करों ने पीआरवी पर पत्थरों से किया हमला। एसपी नॉर्थ की गाड़ी पीछा करते हुए डिवाइडर से टकराकर हुई क्षतिग्रस्त। एसपी नॉर्थ ने कहा, शाहपुर गुलरिया थाने में पशु तस्करों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। 4 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर किया जा रहा है पूछताछ। जल्द होगी पशु तस्करों की गिरफ्तारी। पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद में नवजात बच्ची की हत्या के आरोप में 2 अभियुक्ताओं को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पशु तस्करों के गैंग के सरगना मुलायम यादव व उसके 2 साथी चढ़े शाहपुर व गुलरिया थाने की हत्या। अभियुक्तों के कब्जे से 1 देसी तमंचा, 315 बोर, 1 अपाची मोटरसाइकिल, 1 पिकअप तथा 1 पशु किया बरामद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। IRS इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण VDMCR विषय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संगोष्ठी आयोजन कर जनपद स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व से कराया गया उनको अवगत। इंसिडेंट कमांडर एवं ADM फाइनेंस ने कहा, आपदा आने पर सभी अधिकारियों के दायित्व है फिक्स। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कहा, बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों तथा बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाने वालों का किया गया चालान। अपर SDM सदर पवन कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले पुलिस व राजस्व विभाग से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। दो सितंबर को महिला से मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर लूट का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राप्ती नदी के जलस्तर सहित अन्य नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा, अभी है नदी खतरे के निशान से नीचे, अभी तक नहीं पहुँचा किसी गाँव में पानी। बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां हैं पूरी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चल रहे व्याख्यान माला के समापन पर हम और हमारी संस्था विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संस्था से बनती है हमारी सामाजिक पहचान, प्राथमिकता में होनी चाहिए संस्था। और शनिवार की शाम को हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत, वहीं किसानों के चेहरों पर दिखी खुशी। बारिश खरीफ फसल के लिए है काफी लाभदायक। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान ऋषभ भारती पुत्र परदेशी भारती निवासी हरदिया पिछौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर, दूसरा शुभम साहनी पुत्र धर्मवीर साहनी निवासी परसादाड़ महुआ डाबर थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक मोबाइल व घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 2 सितंबर को वादनी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 26 अगस्त को डोमिनोज पिज्जा के सामने से 3 लड़कों द्वारा पीछे से वादनी का मोबाइल छीन लिया गया है, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हम लोग अपने दोस्त गोलू निषाद के साथ मिलकर 26 अगस्त को पार्क रोड से एक महिला से उसके मोबाइल छीन लिए थे, जो शुभम साहनी के पास से बरामद हुई है। जो गाड़ी बरामद हुई है वो गाड़ी मेरी है और उसमें हम लोग मिलकर शहर में मोबाइल छिनैती घटनाएं करते हैं। आज भी हम सब मोबाइल छिनैती के फिराक में ही घूम रहे थे कि आप सब लोग तो के द्वारा पकड़ लिया गया। गाड़ी के नंबर प्लेट पर टेप लगाए जाने के बारे में पूछने पर बताया कि घटना करने के दौरान कोई गाड़ी पहचान न ले, इसके लिए गाड़ी के नंबर को छिपा कर रखते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल विकास यादव, अजीत यादव, राकेश यादव शामिल रहे। जनपद में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने बताया कि मिली रिपोर्ट के अनुसार घाघरा सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी खतरे के निशान से नीचे है, जो कि बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। राप्ती नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से नीचे है, जिसकी निगरानी की जा रही है। अभी स्थिति सामान्य है और किसी गाँव में पानी नहीं गया है। बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियाँ पूरी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी वर्तमान में जो आज हम लोगों के पास रिपोर्ट आई है सेंट्रल वाटर कमीशन और मुख्य अभियंता कंटक सिंचाई प्रमंडल विभाग से, उसके अनुसार अभी जो घाघरा सरयू जो नदी है वो अभी अपने वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है, लेकिन अभी अपने डेंजर लेवल को क्रॉस नहीं किए है और बहुत ही धीमी गति से वो बढ़ रही है। और राप्ती में बढ़ोतरी है, लेकिन अभी वो भी वार्निंग लेवल से नीचे है, तकरीबन वो डेंजर लेवल से 2.25 मीटर नीचे है। तो सतत निगरानी की जा रही है और रोहिणी रिवर की भी निगरानी की जा रही है। रोहिणी में भी तकरीबन 1 मीटर का पानी की वृद्धि हुई है, लेकिन वो भी अभी अपने डेंजर लेवल से नीचे है। तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में सभी नदियां जो हैं अपने डेंजर लेवल से नीचे हैं, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है सभी नदियों की। जो बाढ़ क्षेत्र में लोगों से अभी ऐसा कोई बाढ़ का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे कहीं किसी गांव में पानी नहीं गया हुआ है। अभी सभी जो पानी है वो नदी के अपने मेन कोर्स में है, तो अभी कहीं जनपद में कहीं कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है।
युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राजचंद्र ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के स्मृति में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर सभागार में व्याख्यान माला के समापन में हम और हमारी संस्था विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम आयोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने कहा कि संस्था से हमारी सामाजिक पहचान बनती है। हमारे जीवन में संस्था प्राथमिकता में होनी चाहिए। घर और संस्था में समन्वय बनाकर हमें अपने कार्य का संपादन करना है। इनमें किसी एक के प्रति हमारी उदासीनता से हमारा कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का प्रबंधन अद्वितीय है। इस प्रबंधन ने लोक कल्याणार्थ संस्थाओं को स्थापित किया है जिनका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें परिषद की संस्थाओं में शिक्षकीय जैसा ईश्वरीय कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा हम अपने कमियों को पहचाने, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, अच्छाइयों को साझा करें और अपने संस्थापकों के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य संपादित करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। लौकिक जीवन में हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे शांति और आनंद प्राप्त हो, पर ना चाहते हुए भी वह अनेक समस्याओं में उलझा रहता है। अपने उत्तरदायित्व के प्रति सकारात्मक होने पर उसे कार्य बोझिल नहीं लगेगा और वह उसी में शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। सामूहिकता और अनामिकता से कठिन कार्य को संपन्न किया जा सकता है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य नर्वदेश्वर शाहिद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा हमारे कक्षा में जाकर क्या करना है समझे तो हमें
कथित थे, बीच में रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर बहुतों को मिला है, बहुतों को नहीं मिला है। उसने दावा किया है, नहीं किया, लेकिन हमेशा इस प्रश्न को दूसरे के उत्तर से आप नहीं खोल सकते। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा और जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक दूसरे के उत्तर के आधार पर एक सामान्य प्रयत्न हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्रभाव पहला प्रश्न है, मैं कौन? ये ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न में मनुष्य को मनुष्य बनाया। दूसरा प्रश्न है, मैं कहां से आया? तीसरा है, किस लिए आया? और चौथा है, परिसीमाएं क्या हैं? उसे कहां जाना है? और जब ये कहां जाना है, चौथा प्रश्न इस रास्ते इस मार्ग से पांच प्रश्न ऐसे होंगे, ऐसे जो हमारा अनुमान है मनुष्य के इन प्रश्नों पर काम किया। जब उसने काम किया तो इस प्रश्नों के उत्तर में दो धाराएं, एक धारा लौकिक जीवन की बनी जिसमें सभ्यता का विकास हुआ और एक धारा आध्यात्मिक बनी महालौकिक जीवन की बनी जिसमें संस्कृति का विकास हुआ। सभ्यता और संस्कृति दोनों विकास के समानांतर किए, कई बार लगता है कि वो एक ही है, इसीलिए कि हम टूटे हुए। जैसा कि बताया गया था कल कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विभिन्न संस्थाएं पूज्य द्वय महाराज महंत दिग्विजयानंद जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज के पावन स्मृति में व्याख्यानमाला का आयोजन कर रही हैं। उसी व्याख्यानमाला के तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज द्वारा बलरामपुर सभागार में आज द्वितीय दिवस जिसका विषय है हम और हमारी संस्थाएं पर व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आज के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रदीप राव जी प्रधानाचार्य जंगल धूसरा डिग्री कॉलेज एवं रजिस्ट्रार गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय बालापार संवरसा से पधारे हुए हैं, जिसका आयोजन आज सभागार में हो रहा है। धन्यवाद। शनिवार की शाम को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। बारिश को लेकर किसानों में खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि बारिश होना खरीफ फसल के लिए लाभदायक माना जाता है। शनिवार को हल्की और तेज बारिश हुई जिससे उमस से लोगों को काफी राहत मिली। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर नगर निगम की 50 वार्डों का शासन ने नया नामकरण कर जारी किया। 80 वार्डों के परिसीमन की अनंतिम अधिसूचना, महापुरुषों और बलिदानियों के नाम हुए 24 वार्ड। इसी साल नवंबर में नगर निगम के चुनाव की है संभावना। एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी उचित आपत्ति। आपत्तियों के निस्तारण के साथ शासन को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए भेजी जाएगी आख्या। जनपद में शुक्रवार की रात पीआरवी के द्वारा पशु तस्करों का पीछा करने पर गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। पशु तस्करों ने पीआरवी पर पत्थरों से किया हमला। एसपी नॉर्थ की गाड़ी पीछा करते हुए डिवाइडर से टकराकर हुई क्षतिग्रस्त। एसपी नॉर्थ ने कहा, शाहपुर गुलरिया थाने में पशु तस्करों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। 4 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर किया जा रहा है पूछताछ। जल्द होगी पशु तस्करों की गिरफ्तारी। पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद में नवजात बच्ची की हत्या के आरोप में 2 अभियुक्ताओं को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
पशु तस्करों के गैंग के सरगना मुलायम यादव व उसके दो साथी चढ़े शाहपुर व गुलरिया थाने की हत्या। अभियुक्तों के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक अपाची मोटरसाइकिल, एक पिकअप तथा एक पशु किया बरामद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। IRS इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण VDMCR विषय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संगोष्ठी आयोजन कर जनपद स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व से कराया गया उनको अवगत। इंसिडेंट कमांडर एवं ADM फाइनेंस ने कहा, आपदा आने पर सभी अधिकारियों के दायित्व है फिक्स। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाए गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कहा, बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों तथा बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चलाने वालों का किया गया चालान। अपर SDM सदर पवन कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले पुलिस व राजस्व विभाग से आए, संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। दो सितंबर को महिला से मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर लूट का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राप्ती नदी के जलस्तर सहित अन्य नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा, अभी है नदी खतरे के निशान से नीचे, अभी तक नहीं पहुँचा किसी गाँव में पानी। बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां हैं पूरी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चल रहे व्याख्यान माला के समापन पर हम और हमारी संस्था विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संस्था से बनती है हमारी सामाजिक पहचान, प्राथमिकता में होनी चाहिए संस्था। और शनिवार की शाम को हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत, वहीं किसानों के चेहरों पर दिखी खुशी। बारिश खरीफ फसल के लिए है काफी लाभदायक। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।